तलाश चैप्टर का अगला टॉपिक है भारत की विविधता और एकता। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारा देश है वो विविधताओं का देश है और फिर भी इसमें क्या है, एकता है। जितनी अधिक जातियाँ, धर्म, भाषाएं हमारे देश में है उतनी कहीं भी नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे देश में एकता है। तो वो कहते हैं भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। तो जो हमारी ये विविधता है बहुत ही अद्भुत है, अनोखी है और प्रकट है, मतलब हम सामने से देखकर बता सकते हैं, सामने हम देख सकते हैं इसको, वह सतह पर दिखाई देती है और कोई भी उसे देख सकता है, मतलब ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, विविधता ये सबके सामने प्रकट है। हम सबको देख के बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सी भाषा बोलता है, तो कौन से स्टेट से बिलोंग। तो इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। तो वो कहते हैं जो ये विविधता है वो खाली ऊपर से देखने में ऐसी नहीं है, ये हमारी जो बनावट है, हमारा रंग रूप है, ये उससे भी पता चल जाता है और जो हमारी मानसिक आदतें हैं और विशेषताएं हैं वो भी हम देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति कौन से कहाँ का है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर पश्चिम के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। तो वो कहते हैं सबसे ज्यादा जो असमानता पाई जाती है वो है उत्तर पश्चिमी इलाके के जो पठान है और जो साउथ के तमिल लोग हैं, उनमें सबसे अधिक वो है असमानता, सबसे अधिक है, मतलब सबसे कम समानता इन लोगों में है जो उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान है और जो साउथ के तमिल है। उनकी नस्लें भिन्न है, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो वो कहते हैं उनकी जो नस्लें हैं वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इसलिए वो जो उनमें जो भिन्नता पाई जाती है वो उनके नस्ल के हिसाब से होती है कि कौन किस नस्ल का है, मतलब कौन हिल स्टेशन पे रहता है तो उसकी जो आदतें होंगी, खान पान होगा, जो बनावट होगी बॉडी की वो अलग होगी, और जो साउथ का होता है उसकी अलग होती है, हर किसी की जो नस्ल होती है वो अलग होती है, तो उसी हिसाब से वो भिन्न होता है। तो लेकिन उनमें कुछ क्या होता है, उसके भीतर कुछ समानताएं हो सकती है लेकिन ऊपर से देखने में वो अलग अलग हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग है हमारे देश में, तो क्या होता है उनकी जो चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ का है, मतलब हमारे देश में कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे कि कौन सा व्यक्ति हिल स्टेशन पे रहता है तो हम उसको देख के बता सकते हैं, क्योंकि जो उनकी बनावट होती है वो अलग होती है, साउथ के लोगों की अलग होती है। तो उनका जो खान पान है, मतलब क्या खाते पीते हैं, और उनकी भाषा, ये सब चीजें एक दूसरे से भिन्न होती है, जिसकी वजह से हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कहाँ के हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। तो वो कहते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश जो है उसमें कहाँ की गमक माने महक, तो उसमें कहाँ की खुशबू है मध्य एशिया की, तो जो उत्तर पश्चिमी के जो सीमा से लगे हुए प्रदेश है उसमें मध्य एशिया की महक है, और जो बहुत से रीति रिवाज है जैसे कश्मीर के भी, तो उनसे उनको देखने में पता चल जाता है कि जो हिमालय के पार के जो देश है, जो हिमालय के जो आसपास के जो देश है, लगे हुए जो देश है, उन देशों की याद दिलाते हैं ये जो अपने यहाँ के देश है, क्योंकि जो इनमें रीति रिवाज है जो भी है वो हिमालय के जो पार के देश है उनकी याद दिलाते हैं, उनकी जो छाप है वो इन देशों में पाई जाती है, इन कंट्री में है। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। तो वो कहते हैं जो पठानों के लोग नृत्य होते हैं, जो पठानों के लोग नृत्य है वो कैसे है, जो रूसी जो कोजक शैली है, नृत्य की शैली है कोजक रूस की, उससे मिलते हैं पठानों के लोक नृत्य। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। तो वो कहते हैं इतनी सारी भिन्नताओं के होने के बावजूद भी पठान पर जो पठानी लोग हैं, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में रहते हैं, उन पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर, मतलब जैसे तमिल के लोगों को देखने में पता चल जाता है कि वो भारत के रहने वाले हैं, ऐसे उत्तर पश्चिम के जो सीमांत प्रदेश के जो लोग हैं, पठान लोग हैं, उनको देखकर पता चल जाता है कि वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो वो कहते हैं इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो ये देश है वो भारत के साथ हजारों सालों से जुड़े हुए हैं, इनका जो नाता है भारत के साथ
हजारों साल से है। तो ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। तो वो कहते हैं जो ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी वो पहले क्या थी, इस्लाम धर्म के आने से पहले बौद्ध थे ये लोग और उससे भी पहले ये लोग थे वैदिक काल में हिंदू। तो सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। तो वो कहते हैं सीमांत क्षेत्र है तो वो कैसा क्षेत्र है, अपने देश की प्राचीन जो संस्कृति है उसका प्रमुख केंद्र है। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। तो जो पहले के स्मारक थे और मठ थे उसके बहुत सारे जो अवशेष बचे हुए हैं वो इन प्रदेशों में बिखरे हुए हैं, मतलब इन प्रदेशों में मिल जाते हैं। विशेष रूप से दक्षिण तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। तो कहते हैं विशेष रूप से काय के किस चीज के अवशेष मिलते हैं, तक्षशिला का जो महान विश्वविद्यालय था जो 2000 वर्ष पहले जिसकी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी, बहुत अधिक प्रसिद्ध था अपनी, मतलब चरम सीमा पर था, मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध था। तो उसके अवशेष यहाँ पर मिल जाते हैं। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। तो वो कहते हैं कि जो भारत के साथ ही, मतलब भारत के लोग तो यहाँ पे आते ही थे शिक्षा लेने के लिए, लेकिन जो एशिया के विभिन्न भागों से भी जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पर आते थे तक्षशिला में शिक्षा लेने के लिए। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण है, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। तो वो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो पठान है और जो तमिल है इन दोनों की जो भिन्नता है वो चरम पर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न है, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। और जो राज्यों के लोग है उनमें इतनी भिन्नता नहीं है, भिन्नता है लेकिन इतनी अधिक नहीं है जितनी की इन लोगों की है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो वो कहते हैं सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब क्या है, भारतीय है, इनके ऊपर भारतीयता की छाप है, इनको देख के पता चल जाता है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, ओडिया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्यभाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। तो ये वो कहते हैं कि बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि इतनी सारी भाषाएं हमारे कंट्री में जो इन्होंने नाम लिखे, इतनी सारी भाषाएं हैं, फिर भी कैसे हमारा जो देश है इतने सालों से अपनी अलग पहचान इसने बना के रखी हुई है, मतलब ये सारी भाषाओं को लेकर कैसे चल रहा है इतने सालों से। तो इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कामोवेश एक से है, इसकी जानकारी पुरानी परंपरा अभिलेखों से मिलती है। वो कहते हैं इतनी सारी भाषाएं लेकिन जो इनके गुण और दोष है, मतलब इनमें जो भी अच्छी बातें और बुरी बातें हैं सबकी क्या है, एक ही है। और इसकी जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, जो अभिलेख है, जो मतलब दीवारों पर लिखी हुई बातें हैं उनको देखकर पता चल जाता है कि जो इनके गुण दोष है वो सब एक ही है। और साथ ही इस पूरे दौरान भी ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। तो वो कहते हैं जो इस जो ये लोग थे वो क्या थे, इन सबकी जो विरासत थी राष्ट्रीय विरासत वो एक ही थी, ऐसा नहीं था कि इनकी जो राष्ट्रीय विरासत हो इन लोगों की सबकी अलग अलग हो, मतलब जैसे कि ताजमहल है वो राष्ट्रीय विरासत है तो वो सबका है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है, वो सब सब धर्म के लोगों का है। और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी, उनकी जो नैतिक और मानसिक विशेषताएं थी वो समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, तो जैसे प्राचीन चीन था वैसे ही प्राचीन भारत भी अपने आप में एक दुनिया थी। तो एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। तो जैसे प्राचीन चीन था जिसकी अपनी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वैसे ही हमारे जो हिंदुस्तान था, हमारा जो भारत था, उसकी भी एक सभ्यता और संस्कृति थी। अपनी विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब्ज हो गए। तो वो कहते हैं विदेशी प्रभाव आए, मतलब जो विदेशी लोग थे, फॉरनर्स थे, वो यहाँ आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब्ज हो गए, मतलब उन्होंने हमारी जो संस्कृति थी और अपनी संस्कृति थी जो भी था उन्होंने यहाँ पर आके अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया और फिर क्या हुआ, हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए और उसी में विलीन हो गए, मतलब उन्होंने हमारी संस्कृति को अपना लिया।
जब भी विघटनकारी तत्व उभरे तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। तो वो कहते हैं जब भी विघटनकारी तत्व थे, मतलब जो हमारी संस्कृति को सभ्यता को विकृत करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, तो जब ऐसे तत्व हमारे सामने आए, ऐसे ऐसी चीजें आई हमारे सामने, तो क्या हुआ, हमने किसी को ऐसा करने नहीं दिया, उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, उनमें मिलाप करने की कोशिश की। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। तो कहते हैं सभ्यता के आरंभ से, जब से हमारा देश बना, हमारा जो भारत था वो अस्तित्व में आया, तब से हमने क्या किया है, एकता का जो स्वप्न है हमने उसको बनाए रखा है, मतलब हमने कभी भी अपने देश को टूटने नहीं दिया, इसलिए हमारा देश आज है। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। वो कहते हैं जो ये एकता है हमें हमारे ऊपर किसी ने थोपी नहीं है, इस एकता को हमारे ऊपर जो थोपा नहीं है किसी ने, बल्कि हमारे अंदर से ही ये एकता की भावना आई है, तो हम अपने अंदर से ही एक है। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार असहिष्णुता का पालन किया गया। तो वो कहते हैं जितने भी जो रीति रिवाज हैं, जो भी जितने भी धर्म है, रीति रिवाज है, भाषा है, जो जितने भी चीजें हैं, उन सबके प्रति क्या है, हमारा विश्वास है, हमने उनके प्रति अपार सहिष्णुता दिखाई है। मतलब ऐसा नहीं है हमने अपने ही जो रीति रिवाज है, धर्म है, उसको ही आगे बढ़ाने की कोशिश की है, बल्कि हमने सबको साथ लेकर चले हैं, उनके साथ भी हमने सहिष्णुता दिखाई है। और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। तो हमारे देश में जितनी भी विविधताएं हैं, तो हमने क्या किया है, उनको प्रोत्साहन दिया है, ना कि उसको कम किया है। मतलब हम अपने देश में ये नहीं चाहते कि एक ही धर्म का लोग रहे, या एक ही भाषा हो, या एक ही जात के लोग रहे, बल्कि हम सबको अपने देश में स्थान देते हैं, सबका स्वागत करते हैं। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हो, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। तो वो कहते हैं एक देश का जो समूह होता है, वो आपस में कितने भी घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हो, लेकिन उसमें क्या होता है, भिन्नताएं होती ही है। तो एक समूह में भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। लेकिन कोई भी समूह होता है तो उसकी जो एकता होती है वो तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना हम किसी और देश के समूह से करते हैं। तो जिस समूह के लोग होते हैं वो सारे के सारे आगे आ जाते हैं, तब लगता है कि हम कितने एक हैं। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धूलनी पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। पर वो कहते हैं जो निकटवर्ती जो समूह होते हैं, जो सीमांत सीमा के पास के लगे हुए जो देश होते हैं, उसकी जो एकता होती है वो या तो धूलनी पड़ जाती है या वो लोग आपस में घुल मिल जाते हैं। तो प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। तो प्राचीन और मध्य युग में क्या था, आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था, जो आधुनिक राष्ट्र है हमारा उसने जन्म नहीं लिया था, और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। तो उस टाइम में क्या था, जो धार्मिक लोग थे, जातीय जो जाति के लोग थे, मतलब जिस जाति के लोग थे उनका आपस में ही संबंध होते थे, और जो सामंती लोग थे उनमें उन लोगों का महत्व अधिक था। सामंती लोग वो होते हैं जो जिनको राजा जो रखता है और जिसको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं उनके ऊपर। तो इन लोगों को क्या था, जो ऐसे लोग थे सामंती धार्मिक और या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था इस टाइम पर, जो प्राचीन और मध्य युग में जो देश थे। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरा विचार ये है कि कोई भी भारत का जो नागरिक होता है, जब वो अपने हिस्से में रहता है, किसी भी हिस्से में रहे अपने देश के, लेकिन उसको लगता है कि वहाँ वो अपने घर में है, उसको अजनबीपन महसूस नहीं होता जब वो अपने देश में होता है, कहीं भी हो। लेकिन जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था, लेकिन जब हम किसी दूसरे कंट्री में पहुंच जाते हैं या पहुंचते थे पहले, तो हमें कैसा लगता था कि हम अजनबी हों और हम परदेशी हों। तो हमें ये फील होता था कि हम अपने घर में नहीं है, बल्कि किसी और के घर में आ गए हैं। तो हम अपने आप को परदेशी महसूस करते थे। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। तो वो कहते हैं जो बहुत से ऐसे लोग थे जो विदेश गए और उन्होंने उनकी संस्कृति को
और धर्म को अपना लिया तो उनको इतना ज्यादा नहीं लगता था कि वो अजनबी है। उनको लगता था कि हम अपने ही देश में हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी संस्कृति और धर्म को पूरी तरह से अपना लिया था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। तो जो लोग बाहर से आए थे हमारे कंट्री में और हमारे यहाँ की जो धर्म था संस्कृति थी उसको जिन्होंने अपना लिया, तो उनकी जो पीढ़ियाँ थी वो पहले के लोग जो रहते चले आ रहे थे यहाँ पे इंडिया में, तो उन्होंने क्या हुआ कुछ टाइम बाद वो उनको ऐसा हुआ कि वो भारतीय ही हो गए, मतलब वो भारत के रहने वाले ही बन गए, भारतवासी हो गए। जैसे यहूदी पारसी और मुसलमान, तो ये जैसे यहूदी है पारसी और मुसलमान है वो बाहर से आए थे लेकिन हमारे देश में रहते रहते ये लोग कैसे हो गए, जैसे कि भारत के ही रहने वाले हो, भारतीय हो गए। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। तो जो भारत के रहने वाले थे दूसरे धर्मों के थे और उन्होंने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और जो धर्म उसको अपना लिया, दूसरे धर्मों को अपना लिया, वो भी क्या हुआ धर्म परिवर्तन के बावजूद क्या हुआ भारत के ही बने रहे। तो जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, मतलब जो ये बाहर से लोग आए थे यहूदी पारसी मुसलमान, जिन लोगों ने जिन भारत के रहने वाले लोगों ने इन धर्मों को स्वीकार किया, यहूदी धर्म अपना लिया, पारसी अपना लिया या मुसलमान बन गए, तो वो भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भी क्या हुआ ऐसा नहीं है वो दूसरे कंट्री के लोग हो गए, वो भारत के ही कहलाए गए। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं जो राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा है वो बहुत अधिक विकसित हो चुकी है। तो जब हम विदेश में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे देश के लोग होते हैं उसका एक समूह बना लेते हैं और उस समूह में सब लोग रहते हैं। तो वहाँ पे ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कि या कौन सी किस भाषा को बोलता है, बस हम ये बस ये देखते हैं कि हाँ ये अपने भारत देश का है, तो अपना एक समूह बना लेते हैं और उसमें हम फिर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। तो बाहर हम ये नहीं देखते कि कौन किस समूह का है क्या है, तो हम चाहे हमारे अंदर से कितने भी अधिक मतभेद हो, हम अंदर से अलग अलग हो, मतलब हमारे अंदर से कितनी भी खटास हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन हम वहाँ पे ये नहीं दिखाते कि हम क्या है अलग है, हम ये दिखाते हैं हम सब एक है। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। तो जो एक हिंदुस्तान का ईसाई होगा तो वो कहीं भी चला जाए दुनिया में, अगर हिंदुस्तान का है तो उसको हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इसी प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की अरब ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो हिंदुस्तानी ही समझा जाएगा। तो जैसे इसी प्रकार क्या है, कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान है वो टर्की चला जाए, अरब देश में चला जाए, ईरान चला जाए, तो क्या होगा, तो अन्य देशों में भी जो कि मुस्लिम जहाँ पे ज्यादा हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, तब भी क्या होगा वहाँ पे ये नहीं है कि वो मुसलमान बन जाएगा, फिर भी वहाँ पे उसको हिंदुस्तानी ही समझा जाएगा। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो दो आदमी भी होते हैं उनकी सोच एक सी नहीं होती, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। तो जो मातृभूमि के बारे में जो सोचना है लोगों का वो भी सबका अलग अलग है। तो सबके मन में अलग अलग तस्वीरें हैं अपनी देश के लिए कि हमारा देश कैसा है। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो उनके मन में कैसा है कि अलग अलग बातें आती हैं, बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँव के बारे में। तो वो किसके बारे में सोचते हैं, जो यहाँ पर बहुत मैदान है, खाली मैदान है, उनके बारे में सोचते हैं जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, और उन छोटे छोटे गाँव के बारे में सोचते हैं जो अनगिनत हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, तो उनके बारे में वो सोचते हैं। उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, तो वो उन कस्बों के बारे में सोचते हैं और शहरों के बारे में सोचते हैं जिनकी उन्होंने यात्रा की थी। वर्षा ऋतु की उस चादरी बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, तो वो किसके बारे में सोचते हैं, उस बारिश के बारे में सोचते हैं जो कि झुलसी हुई पृथ्वी को क्या करती है, अपनी बारिश से जीवन का संचार उसमें भर देती है। मतलब हमारी जो पृथ्वी होती है इतनी झुलस जाती है गर्मी में कि उस पर पैर रखना भी मुश्किल होता है, लेकिन जब बारिश होती है तो क्या होता है,
वो ठंडी हो जाती है, उस पर चलना आसान हो जाता है, उस पर क्या होता है जीवन का संचार हो जाता है, फिर लोग उस पर चलते हैं और उसे क्या होता है सहसा सौंदर्य हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। चारों तरफ क्या होता है अचानक, सहसा माने अचानक, उस क्या होता है सौंदर्य सुंदरता और हरियाली फैल जाती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, तो वो किसके बारे में सोचते हैं, विशाल नदियों के बारे में सोचते हैं और जो बहता हुआ जल है उसके बारे में सोचते हैं। और ठंड की चादर में लिपटे जो नॉर्थ में जो गए थे वो खैबर के उसके बारे में सोचते हैं जहाँ ठंड बहुत अधिक होती है। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में और वो साउथ के बारे में सोचते हैं, दक्षिण के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या बसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में, नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से कलकल खलकल करता झरना बहता है। तो वो कहते हैं कि वो उन किसके बारे में सोचते हैं, साउथ के बारे में, दक्षिण के बारे में भी सोचते हैं और लोगों के बारे में और व्यक्ति के बारे में और समूह के रूप में, दोनों रूप में सोचते हैं। लोगों के बारे में किस रूप में, व्यक्ति के रूप में भी सोचते हैं और समूह के रूप में भी सोचते हैं। और वो सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं, जो हिमालय जो पर्वत है जब उस पर बर्फ गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे कि जो हिमालय पर्वत है उसने क्या किया हो, बर्फ की टोपी पहन ली हो। यह बसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में, और किसके बारे में सोचते हैं, जो कश्मीर है जहाँ पर कि बसंत ऋतु में क्या होता है बहुत अधिक फूल खिल जाते हैं, बहुत सुंदर लगती है कश्मीर की घाटी जब वहाँ पर फूल खिल जाते हैं बसंत ऋतु में, तो वो उसके बारे में सोचते हैं। और जिसके बीच से कलकल खलकल खलकल करता झरना बहता है, और वो किसके उसके झरने के बारे में सोचते हैं जो कलकल करता हुआ पहाड़ों से नीचे बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। तो जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके क्या होता है, उनके अपने मन में अलग अलग तस्वीरें बनी होती हैं अपने देश के लिए। तो वो कहते हैं जो हम सब लोग हैं तो क्या करते हैं, हम सब की जो सोचने का जो नजरिया है, जिस तरह हम सोचते हैं वैसी हम अपनी मन में तस्वीर बना लेते हैं और उसको सहेज कर रखते हैं।